भारतवर्ष में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जो है, अगर आप दूसरे देशों से तुलना करें, खास करके पश्चिमी देशों से, तो 10 साल पहले होता है और ये सीवियर कैटेगरी का होता है। और जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही है वो हार्ट अटैक के रूप में होता है। खास करके आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे हो कि यंग पेशेंट्स जो बाहर से देखने से बिल्कुल सुंदर सुडौल दिखते हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्या वजह है जो इस तरह से बीमारी इतनी तेज रफ्तार पकड़ ली है? खास करके पोस्ट कोविड जो हम देख रहे हैं उसमें हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। पब्लिश डेटा है कि 8 से 10% हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं, और ऐसा देखा गया है कि स्टडी में 1.5 लाख लोगों की स्टडी, उसमें देखा गया है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेल्यूर, इन सब के इंसिडेंट्स जो हैं, इवन माइल्ड जिनको कोविड हुआ था उनको भी हो रहा है। तो क्या ऐसी बात हुई है इधर अचानक इतने केसेस क्यों बढ़ गए हैं? उसमें एक तो बात है कि हमारे देश में अगर आप कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर देखें, खास करके डायबिटीज देखें, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, एज और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं, डिसलिपिडीमिया, ये तो पहले से ही ज़्यादा थे। अभी जो नए रिस्क फैक्टर उभर के आए हैं उसमें एक तो है कि आपकी शिथिल जीवन शैली जो है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी जुड़ के आई है वो है लोगों का जो खान पान है उसमें बहुत बदलाव हुआ है। जंक फूड, ट्रांस फैट्स जिसको बोलते हैं, खास करके जो फैटी जंक फूड्स हैं, जैसे डोसा, बर्गर है, आपको ये क्या कहते हैं, छोले भटूरे हैं, इस तरह के जो ट्रांस फैट्स में जो होते हैं, और पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। लोग फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। WHO का रिकमेंडेशन है कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको पर वीक करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, और स्ट्रेस लेवल तो बहुत ही ज़्यादा है। यूथ में अभी जो नया लाइफ स्टाइल है उसमें अल्कोहल और स्मोकिंग, इन दोनों की जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गई है। और एक स्टडी भी है जिसमें 71 के बाद जो बॉर्न लोग हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि इस जनरेशन के लोग जो हैं रिस्क फैक्टर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जो बाकी कसर थी वो कोविड ने पूरा कर दी। कोविड-19 सिर्फ लंग का इन्फेक्शन नहीं है, इसने ब्लड वेसल्स को इस तरीके से इन्फ्लैम किया है, इंडोथेलाइटिस की है, इंडोथेलियल सेल को डैमेज किया है। इस वजह से क्या हो रहा है कि धमनियों और सिराओं में जो है वो क्लॉट बनने की जो संभावना है बढ़ जाती है, और कॉगुलेशन डिरेंजमेंट जो होता है कोविड में, जिसमें क्लॉट ज़्यादा बनते हैं, इस वजह से क्या है कि अगर हृदय की नसों में, अगर धमनियों में अगर थक्का बन जाता है तो उसके वजह से मांसपेशियों में कोई ब्लड सप्लाई नहीं रह जाता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक होता है। तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स, न्यू नॉवेल रिस्क फैक्टर्स जो आए, और साथ में ये कोविड, पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड जिसको हम बोलते हैं, इवन जो माइल्ड कोविड से सफरर्स थे उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और इसकी मुख्य वजह है इंडोथेलाइटिस, या कहिए कि जो आपकी धमनी और सिराओं की जो अंदर की लाइनिंग है उसमें जो इन्फ्लामेशन, या वो जो एक डैमेज किया है कोविड ने, उसकी वजह से कोविड के बाद जो है हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ गया है। अब इसको रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली रिकॉग्निशन, जैसे हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। डिफ्यूज सीने में अगर पेन होता है, कोल्ड स्वेटिंग होती है, चक्कर आता है, तो इन सब तरह के जो लक्षण आते हैं इसको कभी भी गैस या लाइटली नहीं लेना है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है। ECG में अगर चेंजेस आते हैं तो हार्ट अटैक डिटेक्ट हो जाता है। अगर इस तरह के कभी अनयूजुअल सीने के बीचों बीच दर्द हो, दोनों शोल्डर में दर्द हो, गले में दर्द हो, जॉ में दर्द हो, तो तुरंत ECG कराना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मॉर्टलिटी जो होती है हार्ट अटैक की वो पहले घंटे में होती है, और इसकी मुख्य वजह ये होती है कि धड़कन में जो है एक रेगुलरिटी आ जाती है, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। CCU में अगर उस तरह के अरिथमियाँ होती हैं तो उनको शॉक दे के रिवर्ट किया जा सकता है। और इवन ट्रीटमेंट जो है हार्ट अटैक का, चाहे बैलूनिंग से बंद आर्टरी को खोल दी जाए, या फिर कोई ऐसी दवा दी देनी है जो थ्रोम्बोलिटिक्स है, उसके लिए भी गोल्डन आवर्स बोलते हैं कि पहला घंटा होता है। 1 घंटे के अंदर अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो हार्ट जो है डैमेज होने से बच जाता है। तो हार्ट अटैक के फौरन बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचना है। अगर घर में डिस्प्रिन की गोली पड़ी हुई है तो उसको पानी में घोल के दे दीजिए। अगर पेशेंट हार्ट अटैक के बाद बेहोश हो गया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस समय उसका CPR करना, जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन बोलते हैं। हार्ट के ऊपर
जो सेंटर बोन है उसको ऐस तरीके से प्रेस करना होता है 70 से 80 के रेट पे पर मिनट के रेट पे, ताकि हार्ट पंप कर सके और वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होने से बच जाएं। खास करके कई बार देखा गया कि सीपीआर के बाद पेशेंट्स रिवाइव कर जाता है, अगर रेस्पिरेशन बंद हो गया या श्वास लेना उसका बंद हो गया तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देना है, बट सीपीआर कंटिन्यू करते हुए हॉस्पिटल ले जाने से कई बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है एक महामारी या एपिडेमिक फॉर्म में हार्ट डिजीज कंट्री में आ गई है, खास करके युवाओं को अपनी जीवन शैली पर ध्यान